সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। ना किसी को डॉक्टर, ना भोजन, ना राशन, ना गरीब लोगों के पास कोई पैसा, नहीं बाहर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था। आज हमारे रेल मंत्री के बहुत ज्यादा प्रेशर पर आज उन्होंने रेल मांगा है, रेलवे का कोच मांगा है। तो इसके खिलाफ बंगाल में हम लोग आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाने से उनको इतना जलन हो गया कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस को भेजकर मुझे इनकाउंटर कराना अजय ठाकुर के नेतृत्व में, वो मुझे और मेरे परिवार के लोगों को गोली मार के, उसने दो हत्याएं की है कांकी नगर में और वो खुद वो हत्यारा है और उसने दो हत्या की है और वो मुझे इनकाउंटर करना चाहता था क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जहां सेंट्रल फोर्स की ड्यूटी है वहां एक एमपी के पास बिना पुलिस के देश में यहां आकर नोटिस लिख रहा है, यहां उसको नोटिस दे दी देना है तो अपने ऑफिस से नोटिस लिख के ले आएगा, वो नोटिस यहां लिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहां ऐसा वातावरण तैयार करो और उसके बाद गोलीबारी शुरू करो। तो मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मुझे न मौत से डर लगा है कभी और नहीं लगेगा। आने वाला दिन में ममता बनर्जी के ऐसे अधिकारियों को सही सबक कानूनी दायरे में मिलेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब इस सरकार से उब चुकी है जो हर चीज में फेल है, चाहे वो कोविड-19 का केस हो, चाहे वो लोगों के पास मदद पहुंचाने का मामला हो, हर चीज में वो फेल है।